दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी नीट स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप सब जानते ही होंगे, दृष्टि आईएएस एक यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक जानी मानी कोचिंग है और इस कोचिंग से हर साल यूपीएससी में स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। यूपीएससी में जो भी लोग पेपर देते हैं उसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट यूपीएससी की प्रिपरेशन दृष्टि आईएएस कोचिंग से ही करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर वो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कितना पैसा लेता है स्टूडेंट से। जो भी स्टूडेंट दृष्टि आईएएस कोचिंग ज्वाइन करते हैं उन्हें कितने रुपए का खर्च का सामना करना पड़ता है, कितना रुपए देना पड़ता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दृष्टि आईएएस कितना पैसा लेता है। तो दोस्तों ये है दृष्टि आईएएस का फीस स्ट्रक्चर। दोस्तों ये फीस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग जीएसटी है। दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम बैच के लिए है, करोलबाग में जो है। दोस्तों ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है, मतलब ये लेटेस्ट वाला है। तो दोस्तों अगर आप दृष्टि आईएएस कोचिंग से जनरल स्टडी फाउंडेशन लेते हैं, प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो दोस्तों आपको 1,50,000 रुपये देना होगा। अगर दोस्तों आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपको 1,40,000 ही देना होगा अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं, उसको मतलब किस्तों में देते हैं, तो आपको 1.5 लाख तब भी देना होगा। और दोस्तों अगर आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट भी हैं तब भी आप अगर वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो आपको 1,40,000 ही देना होगा। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में यानी किस्त पर लेते हैं तो 1,50,000 देना होता है। दोस्तों जो इंस्टॉलमेंट वाला ये फीस है ये दोस्तों हमें 4 इंस्टॉलमेंट में देना होता है। दोस्तों हर 30-30 दिन पे करके मतलब 1 मंथ पे हर एक इंस्टॉलमेंट देना होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप सीसेट का लेते हैं, केवल सीसेट का जो हमारा जो प्रीलिम्स में जीएस पेपर 2 होता है जिसे हम सीसेट बोलते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 2 उसे दोस्तों सीसेट बोलते हैं, उसका दोस्तों दृष्टि आज उसकी प्रिपरेशन के लिए 25,000 रुपये लेता है। अगर दोस्तों आप दृष्टि स्टूडेंट हैं तो आपसे 20,000 ही लेगा, वन टाइम फीस है ये। और आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट हैं तो आपसे 25,000 लेगा। उसके बाद दोस्तों आता है बात ऑप्शनल का। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या पीएसआईआर में कोई सा ऑप्शनल लेते हैं तो आपको 55,000 देना होगा अगर आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो। और अगर आप दृष्टि स्टूडेंट हैं तो आपको 45,000 देना होगा अगर आप वन टाइम लेते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आपको 50,000 देना होगा। और अगर आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट हैं, अगर आप वन टाइम फीस करते हैं तो आपको 50,000 देना होगा। उसके बाद दोस्तों आता है हिंदी लिटरेचर का जो ऑप्शनल होता है रिकॉर्डेड फॉर्म में, मतलब पहले से विकास दिव्यकीर्ति सर द्वारा जो वीडियो बनाया गया होगा, जो क्लास में पढ़ाया गया होगा, उसका दोस्तों आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा हिंदी का। उसका दोस्तों टोटल फीस 45,000 है। अगर आप दृष्टि स्टूडेंट तो आपको 40,000, अगर आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट हैं तो आपको तभी 40,000। ये दोस्तों वन टाइम पेमेंट है। और दोस्तों अगर आप किस्त पे लेते हैं तो आपको 45,000 पड़ेगा। दोस्तों अब बात आता है इससे का। दोस्तों दृष्टि आईएएस कोचिंग इससे प्रिपरेशन के लिए 22,000 रुपये लेता है। दोस्तों 22,000 लेता है नॉन दृष्टि स्टूडेंट से। अगर दोस्तों आप दृष्टि के ही स्टूडेंट हैं, दृष्टि में पहले से पढ़ रहे हैं तो आपसे 20,000 लेगा। ये तो हो गया दोस्तों एक कोर्स का, ये अलग अलग से अगर आप सब कोर्स लेते हैं तो आपको कितना लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज का। दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेते हैं जीएस प्लस सीसेट का, 25 GS + 5 CSET का, टोटल 30 टेस्ट सीरीज रहेगा तो दोस्तों आपको 10,000 रुपीज पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप मेंस का टेस्ट सीरीज लेते हैं जनरल स्टडीज का, 20 टेस्ट आपको मिलेगा इसमें, वो आपको 18,000 पड़ेगा। अगर दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ऑप्शनल सब्जेक्ट का लेते हैं, जो दोस्तों आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अगर आप उसका टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसको आपको 16 टेस्ट मिलेगा 16,000 रुपीज में। तो ये तो दोस्तों हो गया कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो कि हमारा फाउंडेशन कोर्स था जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस का, उसका दोस्तों टोटल फीस 1,50,000 था। दोस्तों अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 60,000 रुपीज देना होगा, सेकंड 40,000, थर्ड 30,000, फोर्थ 20,000। दोस्तों ये इसके बीच में इसको पेट करने के लिए आपको 1 मंथ का गैप रहेगा। दोस्तों वही बात नॉन दृष्टि स्टूडेंट के लिए भी है। दोस्तों अगर आप ऑप्शनल लेते हैं दृष्टि से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या पीएसआईआर का, तो दोस्तों आपको टोटल फीस 50,000 है, जिसमें से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 25,000 देना होगा, सेकंड में 15,000 और थर्ड में 10,000। ये दोस्तों थर्ड मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में देना है ये पूरा फीस।
उसके बाद दोस्तों अगर आप नॉन स्टूडेंट हैं तो आपको 55,000 रुपीज देना होगा, जिसमें दोस्तों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000, सेकंड में 20,000, थर्ड में 10,000। तो ये दोस्तों हो गया अगर आप सब कोर्स अलग अलग से लेते हैं तो आपको क्या स्ट्रक्चर मतलब क्या फीस पड़ेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कम्बो पैक का कि दोस्तों अगर हम सब साथ में ही ले लेते हैं, कम्बो पैक में ले लेते हैं तो हमारा कितना फीस पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस सीसेट प्लस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का सब लेते हैं एक साथ तो दोस्तों आपको टोटल फीस पड़ेगा 1,65,000। अगर दोस्तों आप इसको अलग अलग करके लेंगे तो आपको पड़ेगा 1,85,000, बट अगर आप सब साथ में ही ले लेते हैं तो आपको 1,65,000 पड़ जाएगा वन टाइम फीस है। इंस्टॉलमेंट में आपको 1,75,000 पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप जीएस प्रीलिम्स प्लस मेन प्लस सीसेट का लेते हैं एक साथ तो दोस्तों वैसे तो उसका फीस होता है अगर आप अलग अलग से लेंगे तो 1,75,000, बट अगर आप सब कॉम्बो पैक में साथ में ले लेते हैं तो 1,55,000 में आपका हो जाएगा और दोस्तों इंस्टॉलमेंट वाला फीस 1,65,000 है। तो दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं जनरल स्टडीज प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का प्लस टेस्ट सीरीज जीएस का मेंस का जो होता है ये आपको टोटल फीस 1,78,000 पड़ता है अगर आप अलग अलग से लेते हैं सब, मतलब एक बार आप जीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस लेते हैं फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम्स का लेते हैं, उसके बाद मेंस का लेते हैं तो आपको टोटल 1,78,000 पड़ेगा, बट अगर आप सब साथ में ले लेते हैं तो आपको 1,60,000 पड़ेगा। ये दोस्तों वन टाइम पेमेंट है और इंस्टॉलमेंट वाला आपको 1,70,000 पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारा वन टाइम पेमेंट होगा वो 10,000 रुपीज कम है और जो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे वो आपका 10,000 रुपीज ज़्यादा है। तो दोस्तों आपका वन टाइम ऑन इंस्टॉलमेंट में 10,000 का फर्क पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगर आप जनरल स्टडीज प्रीलिम्स प्लस मेन्स फाउंडेशन कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का प्लस टेस्ट सीरीज जो है मेन्स का प्लस इससे लेते हैं साथ में तो वैसे तो आपका टोटल पड़ता है 2,00,000 रुपीज, बट अगर आप सब साथ में ले लेते हैं तो आपको 1,80,000 में हो जाएगा। ये वन टाइम पेमेंट का है और अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो 1,90,000 पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है जनरल स्टडीज प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस सीसेट प्लस एससे, अगर आप ये सब साथ में लेते हैं तो आपको 1,75,000 पड़ेगा और अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो 1,85,000 पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस सीसेट प्लस एससे प्लस टेस्ट सीरीज प्लस जीएस का मेंस का टेस्ट सीरीज जो होता है ये दोस्तों आपको पड़ेगा 2,00,000 रुपीज में। ये दोस्तों टोटल फीस है वन टाइम पेमेंट का, अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो 2,10,000 पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों टोटल फीस जो है इसका ये है 2,25,000 रुपीज अगर आप इसको अलग अलग करके लेते हैं, बट अगर आप इसको वन टाइम में लेते हैं तो आपको ये 2,00,000 में ही पड़ जाएगा। अब दोस्तों बात आता है जीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस आप लेते हैं फाउंडेशन कोर्स प्लस हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल वीडियो क्लास जो मिलती है विकास सर द्वारा, अगर आप इसको साथ में ले लेते हैं तो आपको 1,70,000 में पड़ जाएगा, अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आपको 1,80,000 में पड़ेगा। अगर आप इसको अलग से लेते हैं जैसे आप पहले जीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस ले लिए उसके बाद आप जो लेते हैं हिंदी का लिटरेचर वाला वीडियो क्लास तो दोस्तों आपको ये 1,95,000 पड़ेगा, बट अगर आप इसको वन टाइम में ले लेते हैं तो आपको 1,70,000 ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात आ गई जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल जो कोर्स है हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी पीएसआर चाहे जो हो जाए ये दोस्तों आपको 1,00,000। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर हम लेते हैं जीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल का कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 1,80,000 वन टाइम पेमेंट पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में आपको 1,90,000 पड़ेगा और अगर आप सब साथ में नहीं लेते हैं तो आपको 2,05,000 रुपीज पड़ जाएगा। तो दोस्तों आपको वन मतलब एक साथ लेने में ज़्यादा फायदा है। उसके बाद दोस्तों अगला कोर्स जो आता है कम्बो का उसका आता है जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल प्लस सीसेट प्लस एससे मतलब फुल कोर्स जो हिंदी लिटरेचर के साथ ऑप्शनल लेते हैं उनके लिए ये 2,10,000 पड़ जाएगा आपको वन टाइम पेमेंट पे, इंस्टॉलमेंट में आपको 2,20,000 पड़ जाएगा और अगर आप सब साथ में नहीं लेते हैं अगर आप सब अलग अलग करके लेते हैं तो आपको ये 2,42,000 पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस हिस्ट्री का ऑप्शनल मतलब कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस सीसेट प्लस एससे ये आपको 2,20,000 पड़ेगा वन टाइम पेमेंट में, 2,35,000 पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में और अगर आप सब साथ में नहीं लेंगे तो आपको ये पड़ेगा 2,52,000 में। उसके बाद दोस्तों अगला आता है जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस जिसका हिंदी ऑप्शनल है और सी साइड उसके साथ इससे फिर प्लस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का प्लस टेस्ट सीरीज मेंस का दोस्तों मतलब पूरा फुल कोर्स हिंदी ऑप्शनल वालों के लिए 2,30,000 में पड़ जा रहा है वन टाइम पेमेंट के साथ और 2,40,000 पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में और अगर आप सब साथ में नहीं लेंगे तो आपको 2,70,000 में पड़ेगा। अब दोस्तों आता है लास्ट कॉम्बो पैक फुल
जो होता है जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस का फाउंडेशन कोर्स रहेगा। इसमें पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी या पीएसआई, इन चारों में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेंगे, प्लस सीसाइड, प्लस एससी, प्लस टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का, प्लस टेस्ट सीरीज मेंस का। दोस्तों मतलब आपको पूरा फुल कॉम्बो पैक ये आपको 2,40,000 में पड़ जाएगा वन टाइम इस पेमेंट के साथ। और अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आपको 2,55,000 पड़ेगा। अगर आप इसको साथ में नहीं लेते हैं, सब अलग अलग करके लेंगे, मतलब जैसे आप पहले जीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स लिए, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए, फिर एससी, फिर सीसाइड टेस्ट सीरीज, तो आपको ऐसे करके 2,80,000 पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको एक बार में ले लेंगे तो आपको 2,40,000 पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया दृष्टि का एक फीस स्ट्रक्चर। दृष्टि कितना फीस लेता है स्टूडेंट से यूपीएससी प्रिपरेशन कराने में? दोस्तों ये 15 से 18 मंथ का कोर्स होता है, इसमें ये पूरा कवर होता है। उसके बाद दोस्तों ये पूरा फीस जो है 18% जीएसटी के साथ इंक्लूड है इसमें, 18% जीएसटी। दोस्तों आपको जो भी इंस्टॉलमेंट में अगर आप लेते हैं ये पूरा कोर्स, तो आपको 30-30 दिन के गैप के बीच में फिट करना होगा, मतलब एक एक महीने बाद एक एक किस्त आपको देनी होगी। तो दोस्तों ये तो हो गया दृष्टि का फीस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दृष्टि आईएएस कोचिंग जो है, जो कि एक यूपीएससी के लिए बहुत ही जानी मानी कोचिंग है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, उसमें आप, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप दृष्टि आईएएस कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कितने पेमेंट के लिए व्यवस्था करना होगा, आपको कितना पैसा आपको पूरा इस फाउंडेशन कोर्स या पूरा फुल कोर्स लेने में लग जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्द ही। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।